खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। अजमेर के ख्यातनाम कॉलेज स्कूल के खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में अनैतिक गतिविधि से जुड़े प्रशासन और आरोपी छात्रों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्यवाही कर उन्हें निष्कासित किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि अजमेर का ख्यातनाम कॉलेज स्कूल देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। ऐसे कॉलेज स्कूल में छात्र के साथ हुई अनैतिक घटना से अजमेर का नाम खराब हुआ है। छात्रों ने आरोप लगाया कि इस तरह के कांड कॉलेज स्कूल में पहले भी हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत के चलते सभी मामले दबा दिए जाते हैं। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही कॉलेज प्रशासन और कुकर्म करने वाले छात्र आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई नहीं की गई तो कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यूथ कांग्रेस और जिस तरह से जो मेरे कॉलेज में जो घटना हुई रैगिंग को लेकर के जिन्हें छात्रों द्वारा जिन्हें छात्रों के साथ जो घटना हुई उसको लेकर के आज हम यहाँ पर अतिरिक्त कलेक्टर सुशांत जी के पास आए और उनको हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम। और उस राज्यपाल के नाम ज्ञापन में हमने ये स्पष्ट लिखा है कि जो स्कूल है, जो जैसे मेरे कॉलेज स्कूल है, वो एक तरह का कॉलेज नहीं है, स्कूल है। और उस स्कूल में इस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से वहाँ पर रैगिंग की घटना हो रही है, पूरे देश भर में रैगिंग को इस तरह से माना अपराध, गंभीर अपराध माना, उसके बावजूद भी साहब इन ऐसे स्कूलों में घटना हो रही है, बड़ी बड़ी स्कूलों में, तो उसको लेकर के हमने आज सुशांत साहब को कलेक्टर नाम ज्ञापन दिया राज्यपाल के नाम कि सभी जो अधिकारी जो वहाँ पर स्कूल कॉलेज के अंदर जो है लोगों ने जिस तरह से घटना अंजाम दिया और लापरवाही बरती है, सारे अधिकारी और दोषियों को जिसके खिलाफ उनसे कार्रवाई करने की मांग करिए। और अगर मांग हमारी नहीं मानी जाती, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है इसे स्कूल प्रशासन के खिलाफ, चाहे प्रिंसिपल से लेकर के चाहे हेड डिपार्टमेंट हो चाहे मैनेजमेंट हो, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम यूथ कांग्रेस अनुसार मिलकर के बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेशव्यापी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और नए कॉलेज प्रशासन की। इसके अंदर घटना हुई है जो हमें सभी छात्रों के लिए, जो हमारे युवा वर्ग है, उन सब के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के कलेक्टर साहब के नाम मिलने पर हमने अतिरिक्त कलेक्टर साहब सूफियान साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमारी एक ही मांग है कि जिस तरीके की जो घटना म्यू कॉलेज के अंदर हुई है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि रैगिंग जैसे अपराध पर रोक लगा चुके हैं पूरे देश के अंदर, फिर भी अब जब कॉलेजों के अंदर रैगिंग जैसा अपराध बंद हो चुका है तो ये अपराध स्कूलों के अंदर तब्दील हो गए, स्कूलों के अंदर होने के लगा है। जो म्यू कॉलेज, जिसका नाम भले ही म्यू कॉलेज है परंतु वो सिर्फ 12वीं क्लास तक संचालित होता है, तो इसी तरह जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं अजमेर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो हम सभी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की मांग है कि कलेक्टर साहब द्वारा वे गवर्नर राज्यपाल जी द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर हॉस्टलों के अंदर एक सख्त आदेश दिए जाए, हॉस्टलों के अंदर कैमरे लगाए जाए और इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, जो रैगिंग जैसे अपराध जो हॉस्टलों के अंदर हो रहे हैं सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों के ऊपर, उस पर रोक। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।